नमस्कार, मैं माही और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल P24 न्यूज एक्सप्रेस। आइए करते हैं शुरुआत आज की खास खबरों के साथ। कुलमणि बराल के हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए विद्रोह। महंगा क्षेत्र के बीजेपी नेता कुलमणि बराल और उनके साथी की हत्या के विरोध में पारादीप में भाजपा द्वारा आईन मंत्री प्रताप जैना के पुतले को जलाया। प्राप्त सूचना के तहत महंगा क्षेत्र के बीजेपी नेता कुलमणि बराल और उनके सहयोगी की हत्या के विरोध में आज पारादीप नगर बीजेपी अध्यक्ष सुब्रत प्रधान के नेतृत्व में बीजेपी कर्मियों ने पारादीप आदर्श थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और कानून मंत्री प्रताप जैना को मंत्री पद से बहिष्कार करने की मांग करने के साथ साथ मंत्री प्रताप जैना की फोटो पे आग लगाते हुए विद्रोह प्रदर्शन किया। जगत सिंहपुर पारादीप से सुदर्शन बिस्वाल की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। अजित कुमार दास, जिला उपसभापति, पारादीप नगर मंडल। आज जो दाह करागला प्रताप जेना आईन मंत्री कुश दाह करागला थाना घेराव करागला पारादीप थाना घेराव करागला जे पारा भारतीय जनता पार्टी मंडल सभापति बहु बल कुलमणि बराल जो नृशंस भाव हत्या करागला ता परिप्रेक्षीरे आम विरोध में आज आम पारादीप नगर तरफ थाना सामने आम घेराव कर थाना घेराव करने सहित आम कुशवर्तिका दाह कलु प्रताप जेना ये जो कुशासन चलिए ओडिशा आउ चलो ना ये जो वेस्ट बेंगल नीति अपणी ममता बनर्जी नीति अपणी जो मंडल सभापति को आक्रमण कले निम्न भाव दुईज नेता आमर हत्या कले तार विरोध में आज आम प्रतिहत भाव कटक अभियुक्त कटक जिलार समस्त पुलिस स्टेशन सामने ब्लॉक सामने आम घेराव करलु पारादीप घेराव कलु आगामी दिन में यदि न्याय न मिले कुलमणि बराल को जो हत्या कर धरा जाए ताले प्रताप जेना आम बीड रास्तार प्रतिरोध नबू ओडिशा सरकार को नवीन बाबू को आम यू अनुरोध करुच्छू मीडिया मध्यम जे तुरंत बरखास्त कर केते एवला शिशु को हत्या करिवे केते मंडल सभापति की हत्या करिवे केते बीजेपी कर्मी को हत्या करिवे केते करी के आज ओडिशा रे 21 वर्ष शासन करिवे ए कथा को मध्य ओडिशावासी देखुचंती एवं ए कथा को मध्य साधारण लोक जानुचंती कि बिल भाई उग्र भाव धरलाणी बीजेडी माने बीजेडी नेता माने एवं बीजेडी रो मंत्री माने एटा हमर आज आपण मानक माध्यम रे आमे साधारण लोक पहुँचवाक चाहूँ जे आगामी दिन में यदि से जो मैंने बराल बाबू को आम कुलमणि बराल को जो हत्या निम हत्या कर दिव्य सिंह बराल को जो हत्या कर सालेपुर आम न्याय देवाई भारतीय जनता पार्टी ये लड़े कि तृणमूल स्तर पर्यंत ग्राम पर्यंत नहींक्री बूथ पर्यंत जीव लड़े जारी रख। पारादीप के बंदरगाह को विश्व स्तरीय बंदरगाह बनाने की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। पोर्ट ने पारादीप पोर्ट वेबसाइट पर निविदाओं के लिए बुलाया है। 6 महीने के भीतर टेंडर प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद पश्चिम डाक के निर्माण शुरू हो जाएगा। बंदरगाह के उपाध्यक्ष आशीष कुमार बोस ने मीडिया को बताया कि पश्चिम डाक से 3 साल में 12.50 मिलियन मीट्रिक टन माल का व्यापार होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 मिलियन मीट्रिक टन माल परिवहन के लिए PPP मोड में पारादीप के बंदरगाह पर एक पश्चिम गोदी में बनाने की घोषणा की है। इसकी कीमत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये वेस्टर्न डॉक्स बड़े जहाजों को समायोजित कर सकते हैं। इससे एक ही बार में अधिक सामान ले जाया जा सकेगा और विभिन्न कंपनियों को फायदा होगा, जिससे स्थानीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। पारादीप के बंदरगाह 712 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पारादीप के बंदरगाह ने 30 साल के अनुबंध पर साइट बनाने और संचालित करने के लिए वैश्विक कंपनियों को बुलाया है। जगत सिंहपुर पारादीप से सुदर्शन बिस्वाल की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने वेस्टर्न डॉक का अप्रूवल दिया था, तो 4 दिन के अंदर हम लोगों ने उसके लिए RFQ टेंडर बनाकर उसको अपलोड कर दिए। कल टेंडर अपलोड हो गया है
अपने वेबसाइट में टेंडर ऑलरेडी अपलोडेड है और इसके द्वारा हम ग्लोबल बीडर्स को आह्वान किए हैं कि वो आके इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें। और ये जैसा कि हम पिछले बार भी बोल चुके थे कि BOT बेसिस पे ये बनाया जाएगा, इस पे 3,000 करोड़ की लागत आएगी और कंसेशनर के अकाउंट में 2,392 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और पोर्ट के तरफ से 612 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें हम लोग जो हमारा ब्रेक वाटर है उसका एक्सटेंशन करेंगे और इसके साथ साथ ये सारे ग्लोबल जितने भी बिडर्स हैं उनको ये बताया गया है कि 18 फरवरी इस टेंडर का लास्ट डेट है और इस बीच में हम उनके क्वेरी जो भी रहेंगे इस टेंडर के बारे में उस क्वेरी का हम प्री बिड में जवाब देंगे और उसके बाद उनसे बिड लेंगे। ये बिड मिलने के बाद उनका शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा, अगर हमारे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में वो बैठते हैं तब उनसे हम फाइनल फाइनेंशियल बिड मंगवाएंगे। ये आप सबों को पहले भी बता चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट में केपसाइज वेसल हैंडल किया जाएगा जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफ़ी कमी आएगी और ये पूरे उड़ीसा के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए ये एक अनोखा प्रोजेक्ट होगा। इससे केवल स्टील इंडस्ट्री को नहीं पूरे उड़ीसा स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी लाभदायी होगा। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।